क्रिएटिव एंड अमेजिंग लर्नर्स एंड आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई विश कि आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ ये एमआरएस की वैकेंसीज आई हुई हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि उसकी लास्ट डेट 18 है। जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया प्लीज आप फॉर्म फिल कर लीजिए। और आज मैं डिस्कस करूँगी EMRS सिलेबस के बारे में वाली हूँ। EMRS सिलेबस को डिटेल में आप देखिए बहुत अच्छे से देखने के बाद। अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कम्प्लीटली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। ओके सो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि मैम अगर इंग्लिश लैंग्वेज से हमने BFA MFA किया है तो उनके लिए बेस्ट बुक्स मैं आपको बता रही हूँ। ये वाली बुक्स बहुत अच्छी है, एडिट टॉमलिन की फाइन आर्ट्स। ये बुक आप जरूर परचेस कर लीजिएगा। इवन इस बुक्स में बहुत डिटेल में इंडियन आर्ट भी है, वेस्टर्न आर्ट, इवन स्कल्पचर के बारे में भी। सेलेबस फॉर आर्ट टीचर ड्राइंग एंड पेंटिंग, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट यूनिट फर्स्ट इन दिस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, टाइम लोकेशन लाइक 2500 BC टू 1500 BC, इंट्रोडक्शन पीरियड एंड लोकेशन एक्सटेंशन इन अबाउट 1500 मील्स, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो एट द प्रेजेंट टाइम नाउ इन पाकिस्तान, रोपड़, लोथल, रंगपुर, आलमगीरपुर, कालीबंगा, बनावली, धौलावीरा, नाउ इन इंडिया, स्टडी ऑफ फॉलोइंग्स स्कल्प्टर एंड टेराकोटाज लाइक डांसिंग गर्ल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड बेस्ड स्कल्प्टर कही जाती है, जिसका साइज है 10.5 x 5 x 2.5। फर्स्ट लॉस्ट वैक्स टेक्निक ब्रॉन्ज में बनाई गई है। और टेक्निक कौन सा है? लॉस्ट वैक्स टेक्निक। अब प्रेजेंट टाइम कहाँ पर एग्जिबिट है? लोकेशन एरिया नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में, 2500 BC एट द प्रेजेंट टाइम, टाइम लोकेशन। एंड द नेक्स्ट वन इज मेल्ट ऑर्सो ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कल्प्टर। इसका साइज 9.2 x 5.8 x 3 cm, 2500 BC एट द प्रेजेंट टाइम, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। एंड द नेक्स्ट वन मदर गॉडेस। मदर गॉडेस इसे कहा जाता है ये चिकोटी पद्धति में बनाई गई है, लाइक इंग्लिश में कह सकते हैं एडिटिव प्रोसेस है। एडिटिव प्रोसेस होता क्या है? तो सब्सट्रैक्टिव और एडिटिव टू टाइप्स के प्रोसेस होते हैं। एडिटिव लाइक चिकोटी पद्धति, एक शून्य, एक सर्कल, छोटे से डॉट से लेकर ह्यूज स्कल्प्चर कंबाइंड जोड़ जोड़ कर बनाना, ठीक है, कंपोज करना। इसका लोकेशन एरिया देख लेते हैं, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है ये भी, ठीक है, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। इसका साइज तो आपको मोस्टली याद रखना है, टेराकोटा में बनाया गया था। जैसे कि देखिए डांसिंग गर्ल जो है वो ब्रॉन्ज में बनाई गई है, मेल टोर्सो जो है वो किस में बनाया गया था? मेल टोर्सो बनाया गया था रेड सैंड स्टोन में, ओके। और एक पुजारी की आवक्ष प्रतिमा बहुत फेमस है, वो बनाई गई थी वाइट लाइम स्टोन में, वाइट लाइम स्टोन। एंड द लास्ट वन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कल्प्टर यहाँ की है नटराज की, नटराज ये मिली थी हड़प्पा से। नटराज का जो स्कल्प्टर है वो ग्रे लाइम स्टोन में बनाया गया है। मदर गॉडेस ये मोहनजोदड़ो से मिली है, टेराकोटा में बनाई गई है, 22 x 8 x 5 cm, 2500 BC, सेम टाइम ड्यूरेशन, प्रेजेंट टाइम एग्जिबिट है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। एंड स्टडी ऑफ फॉलोइंग नेक्स्ट सेल्स जिसे मोहरे कहते हैं, मोहरों में आप ध्यान रखिएगा स्टेटाइट की बनाई गई मोहरे हैं, स्टेटाइट की। इवन ज़्यादा से ज़्यादा सेल खड़ी ऑप्शन में नहीं देखने को मिलता है, सेल खड़ी हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में स्टेटाइट कहते हैं, ओके तो ध्यान रखना है आपको। बुल यहाँ की बहुत फेमस है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त है, जिसका साइज है 2.5 x 2.5 x 1.4 cm, 2500 BC, सेम टाइम ड्यूरेशन, लोकेशन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। एंड फोर वन लाइक स्टडी ऑफ फॉलोइंग डेकोरेशन ऑन अर्थन वायर, पेंटेड अर्थन वायर जार मोहनजोदड़ो से प्राप्त है, कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। थर्ड वन सेल्स देख लेते हैं जिसे मोहरे बोलते हैं, ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी स्टेटाइट में ही बनाई गई है, स्टेटाइट जैसे हिंदी में शेलखड़ी कहते हैं। बुल मोहनजोदड़ो का जिसका साइज़ है 2.5 x 2.5 x 1.4 cm, सेम 2500 BC, और लोकेशन एरिया नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। एंड द नेक्स्ट वन फोर्थ स्टडी ऑफ फॉलोइंग
टेराकोटास ऑन अर्थन वायर, पेंटेड अर्थन वायर जार मोहनजोदड़ो से मिला था, कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो फर्स्ट यूनिट कवर किया गया है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, आपको थ्योरीज पढ़नी होगी। अब सेकंड यूनिट देखते हैं, बुद्धिस्ट जैन एम एंड हिंदुइज्म आर्ट। इसका टाइम पीरियड 3rd century BC to 8th century AD। ध्यान रखिएगा BC to AD। ओके, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट ड्यूरिंग मौर्य शुंग कुशान गुप्त पीरियड। स्टडी ऑफ फॉलोइंग स्कल्प्टर, लॉयन कैपिटल सारनाथ मौर्य पीरियड का है, पॉलिश्ड सैंडस्टोन में बनाया गया, जिसे रेड सैंडस्टोन्स कहते हैं, पॉलिश्ड जिसे ओप कहा जाता है, बहुत ज़्यादा फेमस रहा था मौर्य डायनेस्टी का, मौर्य पीरियड। टाइम ड्यूरेशन 3rd century BC। कलेक्शन सारनाथ म्यूजियम UP। चौरी बियर्डेड ऑफ दीदारगंज, जिसे दीदारगंज यक्षी बोलते हैं, मौर्य पीरियड की है। पॉलिश्ड सैंडस्टोन सेम टाइम ड्यूरेशन 3rd century BC। प्रेजेंट टाइम इन कलेक्शन पटना म्यूजियम बिहार। एंड द नेक्स्ट वन बोधिसत्वा हेड फ्रॉम तक्षशिला गांधारा पीरियड। स्टोन वेयर 27.5 x 20 x 15 cm। इसका आपको डिमेंशन सेंटीमीटर ज़रूर ध्यान रखना है, 2nd century AD का है। कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। एंड द नेक्स्ट वन सिटेड बुद्धा फ्रॉम तक्षशिला कुशान पीरियड। कलेक्शन मथुरा म्यूजियम। एंड द नेक्स्ट वन सिटेड बुद्धा फ्रॉम सारनाथ गुप्ता पीरियड, स्टोन में रेडी किया गया है। टाइम पीरियड 5th century BC। एग्जैक्ट गुप्ता पीरियड का टाइम लोकेशन ही है 5th century AD, नॉट BC AD। ओके, सारनाथ म्यूजियम UP में है। जैन तीर्थांकर गुप्ता पीरियड 5th century AD। कलेक्शन स्टेट म्यूजियम लखनऊ UP। एंड द नेक्स्ट वन इंट्रोडक्शन ऑफ अजंता, लोकेशन पीरियड ऑफ केव्स, चैत्य विहार पेंटिंग स्कल्प्टर सब्जेक्ट मैटर एंड एस्थेटिक्स टेक्निक। लाइक मेरा तो ऐसा मन कर रहा है कि मैं पूरा अजंता केव्स एक्सप्लेन कर दूं, बट वीडियोस बहुत बड़ी हो जाएंगी। आप आज अच्छे से सिलेबस देखें, सिलेबस देखने के बाद आप मुझसे कन्वे कर सकते हैं, मैं पूरे यूनिट वाइज आपका यूट्यूब चैनल पर ही कवर करा दूंगी। और मैंने एक बैच भी लॉन्च किया है, जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा। स्टडी ऑफ फॉलोइंग पेंटिंग्स एंड स्कल्प्टर पद्मपाणि बोधिसत्वा अजंता केव नंबर 1st, म्यूरल पेंटिंग 5th century AD, माल विजय अजंता केव नंबर 16 का स्कल्प्टर है 5th century AD। सो नेक्स्ट वन यूनिट 3rd टेम्पल्स स्कल्प्टर ब्रॉन्जेस एंड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन टेम्पल्स 6th century AD to 13th century AD। एंड द फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन एंड टेम्पल्स स्कल्प्टर के बारे में आपको डिटेल में देखना होगा। टाइम पीरियड लाइक 6th century AD to 13th century AD। एंड द नेक्स्ट वन स्टडी ऑफ फॉलोइंग टेम्पल्स स्कल्प्चर्स डिजेंट फ्रॉम गंगाज पल्लव पीरियड महाबलीपुरम तमिलनाडु, स्टोन 7th century AD। रावण शेकिंग माउंट कैलाश कैलाशनाथ टेम्पल का बहुत फेमस रहा था राष्ट्रकूट पीरियड। त्रिमूर्ति एलिफेंटा की, जिसका साइज़ है 18 x 24, बनाई गई थी ग्रेनाइट में। और टाइम पीरियड 9th century AD। नेक्स्ट वन लक्ष्मी नारायणा कंदरिया महादेव टेम्पल चंदेल पीरियड खजुराहो MP। टाइम 10th century AD। चंबल प्लेयर सन टेम्पल गंगा डायनेस्टी कोनाक उड़ीसा 13th century AD। एंड द नेक्स्ट वन मदर एंड चाइल्ड, मदर एंड चाइल्ड वेरी इंपॉर्टेंट, विमल शाही टेम्पल सोलंकी डायनेस्टी दिलवाड़ा माउंट आबू राजस्थान, वाइट मार्बल में कंप्लीट किया गया है। टाइम ड्यूरेशन 13th century AD। एंड द नेक्स्ट ब्रॉन्जेस इंट्रोडक्शन टू इंडियन ब्रॉन्जेस मेथड्स ऑफ कास्टिंग सॉलिड एंड हॉलो स्कल्प्टर लाइक दिस ऑल्सो इंक्लूडेड इन सब्सट्रैक्टिव एंड एडिटिव। एंड द नेक्स्ट वन स्टडी ऑफ फॉलोइंग साउथ इंडियन ब्रॉन्जेस नटराज तंजौर डायनेस्टी, ठीक है, तंजौर में है, डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, चोल पीरियड 12th century AD। कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली।
देवी देवी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चोल डिनेस्टी 12th century AD कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली एंड द नेक्स्ट वन आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर लाइक इंट्रोडक्शन स्टडी ऑफ फॉलोइंग आर्किटेक्चर कुतुब मीनार ताजमहल गोल गुंबद ऑफ बीजापुर एंड द नेक्स्ट वन यूनिट 4th द राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग 16th century AD टू 19th century AD इंट्रोडक्शन टू इंडियन मिनिएचर स्कूल्स वेस्टर्न इंडियन पाल राजस्थानी मुगल स्कूल लाइक मुगल सेंट्रल इंडिया दक्कन एंड पहाड़ी द राजस्थानी स्कूल ओरिजिन एंड डेवलपमेंट स्कूल्स मेवाड़ बूंदी जोधपुर बीकानेर किशनगढ़ एंड जयपुर मेन फीचर्स ऑफ राजस्थानी स्कूल स्टडी ऑफ फॉलोइंग राजस्थानी पेंटिंग एंड दिस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको तो इसका स्क्रीन शॉट ले लेना चाहिए और अच्छे से लर्न करना चाहिए. डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं इवन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फाइन आर्ट्स से रिलेटेड लाइक मारू रागिनी सहाबदीन मेवाड़ शैली के हैं राजा अनिरुद्धिंग सिंह हाड़ा उत्कल राम बूंदी शैली के हैं चौगान प्लेयर्स दाना ने बनाए थे जोधपुर के. नेक्स्ट वन कृष्णा ऑन स्विंग नूरुद्दीन बीकानेर शैली राधा बनी ठनी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट निहाल चंद्र किशनगढ़ भरत मेट्स रामा एंड चित्रकूट गुमान की पेंटिंग्स है जयपुर एंड द नेक्स्ट वन पहाड़ी स्कूल ओरिजिन एंड डेवलपमेंट्स लाइक स्कूल्स कवर करना होगा बसोली एंड कांगड़ा बसोली सबसे प्राचीन कांगड़ा सबसे सर्वश्रेष्ठ कही जाती है. मेन फीचर्स ऑफ पहाड़ी पेंटिंग स्टडी ऑफ फॉलोइंग पहाड़ी पेंटिंग कृष्णा विद गोपीज बसोली रागमेघ कांगड़ा एंड नेक्स्ट यूनिट यूनिट फिफ्थ में कवर करना है द मुगल एंड दक्कन स्कूल ऑफ मीन मिनिएचर पेंटिंग 16th century AD टू 19th century AD मुगल स्कूल्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट मेन फीचर्स ऑफ मुगल स्कूल स्टडी ऑफ द फॉलोइंग मुगल पेंटिंग कृष्णा लेफ्टिंग माउंट गोवर्धन मिस्कीन अकबर के टाइम के थे बाबा क्रॉसिंग द रिवर ऑफ सोन जगन्नाथ अकबर टाइम ड्यूरेशन जहांगीर होल्डिंग द पिक्चर ऑफ मैडोना अबुल हसन जहांगीर टाइम ड्यूरेशन फ्लैकॉन ऑन ए बर्ड रेस्ट उस्ताद मंसूर जहांगीर एंड द नेक्स्ट वन कबीर एंड रायदास उस्ताद फकीरुल्ला खां शाहजहां टाइम ड्यूरेशन मैरिज प्रोग्रेशन ऑफ दारा शिको की बारात जिसे कहते हैं हाजी मदनी की पेंटिंग्स है प्रोवेंशियल मुगल. नेक्स्ट वन दक्कन स्कूल सेम ओरिजिनल डेवलपमेंट को डिटेल में देखना होगा मेन फीचर्स स्टडी ऑफ फॉलोइंग दक्कन स्कूल्स राघिंडौला अहमदनगर चांद बीबी प्लेइंग पोलो गोलकुंडा एंड द नेक्स्ट वन एंड हियर द लास्ट यूनिट यूनिट 6 द बंगाल स्कूल एंड द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडिया न्यू इरा इन इंडियन आर्ट एंड इंट्रोडक्शन स्टडी ऑफ फॉलोइंग पेंटिंग लाइक राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स को आपको डिटेल में देखना होगा इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग 1960 मिडल 1921 एंड द फाइनल 1947 स्टडी ऑफ द फॉर्म्स एंड कलर स्कीम्स इंट्रोडक्शन टू द बंगाल ऑफ पेंटिंग बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बंगाल स्कूल मेन फीचर्स ऑफ बंगाल स्कूल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन द स्ट्रगल फॉर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट स्टडी ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग्स ऑफ बंगाल स्कूल जर्नीज एंड रविन्द्रनाथ टैगोर पाँच साथी नंदलाल बोस राधिका अब्दुल रहमान चुगताई. द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट इंट्रोडक्शन स्टडी ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग्स म्यूजिशियन गगनेन्द्रनाथ टैगोर मदर एंड चाइल्ड जैमिनी रॉय वुमेन फेस रविन्द्रनाथ टैगोर थ्री गर्ल्स अमृता शेरगिल स्टडी ऑफ फॉलोइंग पीसेज ऑफ स्कल्प्टर ट्रम्फ ऑफ लेबर देवप्रसाद रॉय चौधरी सांथाल फैमिली राम किंग का बैज स्टडी ऑफ फॉलोइंग वर्क्स ऑफ
कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट, मदर टेरेसा, एम एफ हुसैन, बर्थ ऑफ पॉटरी, के हैपर, गॉसिप, एनस बेनरे, अनटाइटल्ड, जे आर संतोष, डायगनल सीरीज, तैयब मेहता एंड द नेक्स्ट वन ग्राफिक प्रिंट मेकर वेलपोल कृष्णा रेड्डी। कृष्णा रेड्डी ने इन्वेंशन किया था इंडिया में फर्स्ट टाइम विस्कोसिटी टेक्निक का। सोमनाथ होर ने फर्स्ट टाइम इन्वेंशन किए थे पेपर पल्प का। इन्होंने चिल्ड्रन बनाए हैं, देवी बहुत फेमस है, ज्योति भट्ट का, ऑफ फॉल्स अनुपम सूद, मैन वुमेन एंट्री, के लक्ष्मण गौड़। नेक्स्ट स्टैंडिंग वुमेन धनराज भगत, क्राइज अनहर्ट अमना सहगल, गणेशा पी जानकी रमन, फ्लाइट शांखु चौधरी, चतुर्मुखी एक्का यदा गिरिराव एंड सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक इम्पॉर्टेंट नोट्स द नेम्स ऑफ आर्टिस्ट एंड दियर आर्ट वर्क एज लिस्टेड अबव आर ओनली सजेस्टिव एंड इन न्यू वेज एक्सक्यूजिंग। सो फाइनली EMRS का आपका सिलेबस कवर हो गया। अगर आप EMRS स्टडी मेरे साथ ज्वाइन होकर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इवन अगर आप मेरा पेड क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो पेड क्लास में आपको क्या बेनिफिशियल है, आपको पर्टिकुलर सारी यूनिट्स कवर कराए जाएंगे, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, उसके साथ ही साथ नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे। बहुत अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है, ऑथेंटिक वे में आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन करना अभी से शुरू कर दें, जस्ट बिकॉज फर्स्ट पेपर में आपको हिंदी और इंग्लिश में पास होना कंपल्सरी है। ओके, सो अगेन वेरी वेरी थैंक यू सो मच। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बेस्ट।